प्रेस द बेल आइकन ऑन YouTube एंड डोंट मिस अनदर अपडेट। नमस्ते दोस्तों, दिलीप मंडल की पाठशाला में आज जातिवार जनगणना की बात, जिसको कि कास्ट सेंसस भी कहते हैं, कास्ट इनुमरेशन भी बहुत सारे लोग कहते हैं। जातिवार जनगणना का जो मामला है वो इस समय इसलिए हो रहा है क्योंकि 2021 में अगली जनगणना होनी है और उस समय ये प्रश्न उठ रहा है कि क्या भारत में OBC को फिर से गिन लिया जाए। केंद्र सरकार ने अभी अभी ये कहा है कि अगली जो जनगणना होने वाली है उसमें OBC को फिर से गिना जाएगा। मैं सबसे पहले आपको भारत में जनगणना के इतिहास के बारे में और जातिवार जनगणना के इतिहास के बारे में बताने की कोशिश करता हूँ। भारत में जनगणना का इतिहास काफ़ी पुराना है। 1878 में इस देश में पहली जनगणना होती है, अंग्रेज़ों ने उस जनगणना को कराया। जनगणना एक ऐसा टूल है जिसका इस्तेमाल सारे देश में दुनिया के लगभग सारे देश करते हैं, सारे विकसित देश करते हैं और तो सारे ही देश कर रहे हैं, ताकि उस देश को बेहतर तरीके से समझा जा सके कि ये देश कैसा है, कितने लोग हैं, उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति क्या है और उसके हिसाब से कैसी नीतियाँ बनाई जाए। तो कोशिश ये होती है कि जनगणना में ज़्यादा से ज़्यादा तरह के आंकड़े इकट्ठा किए जाएं। जैसे भारत में लगभग 30 तरह के आंकड़े जनगणना में इकट्ठा किए जाते हैं और इसमें देश के हर नागरिक को गिना जाता है। तो चूंकि दुनिया के ज़्यादातर देशों में जनगणना होती है, उसी तरह भारत में भी जनगणना की परंपरा शुरू हुई और 1881 के बाद से हर 10 साल पर देश के हर व्यक्ति को गिना जाता है और उसके बारे में सारे आंकड़े इकट्ठा किए जाते हैं। ये परंपरा लगातार चली आ रही है, हर 10 साल पे होता है, इसलिए 10 वर्षीय जनगणना या डिकेडल सेंसस इसको कहते हैं। तो 1881 में जब जनगणना शुरू हुई तो बाकी तमाम आर्थिक सामाजिक पैरामीटर्स के साथ जाति को भी गिनने का सिलसिला शुरू हुआ। तो इसके बाद 10-10 साल पर जनगणना होती रही और तमाम तरह के आंकड़े इकट्ठा किए जाते रहे, जिसकी रिपोर्ट आपको देश की कई लाइब्रेरीज में आज भी मिल जाएंगी। अब इसके बाद 1931 तक तो सब कुछ वैसा ही चलता रहा। 1931 की जनगणना में भी जाति की गिनती हुई, हर जाति की कितनी संख्या है, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, उनकी सामाजिक स्थिति क्या है, उनके पास कितने संसाधन है, इसकी सारी जानकारी 1931 तक लगातार इकट्ठा होती रही। 1941 में अगली जनगणना होनी थी, जनगणना शुरू हो गई, लेकिन उस समय दूसरा विश्व युद्ध भी, आप याद कीजिए, वही समय है जिस समय शुरू हो गया, सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। तो उस जनगणना में आप देखेंगे कि उसके आंकड़े काफ़ी इकट्ठा किए गए, लेकिन वो जनगणना पूरी नहीं हो पाई, तो उसके आंकड़ों का टेबुलेशन नहीं हुआ। तो 1931 तक निरंतर जनगणना होती रही, जाति के आंकड़े भी इकट्ठा किए जाते रहे और उसके आधार पर नीतियाँ जैसी भी बनानी थी वो बनाते रहे। 1951 में अगली जनगणना होनी थी, तब तक देश आज़ाद हो गया था। अब हुआ ये कि देश के नीति निर्माताओं ने ये सोचा कि एक आधुनिक मॉडर्न सिस्टम हम अपना रहे हैं, दुनिया मॉडर्निटी की तरफ जा रही है, तो कास्ट एज आइडेंटिटी जो है, जाति की जो पहचान है, वो धीरे धीरे अब खत्म हो जाएगी, तो जाति को नहीं गिनते हैं, तो कास्ट को नहीं गिनेंगे, धीरे धीरे जात को लेकर सारी चीज़ें नहीं करेंगे और हम एक मॉडर्न लोकतंत्र की तरफ, मॉडर्न डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ेंगे। तो ये तो हुई बुनियादी परिकल्पना, लेकिन आप आज जानते हैं कि जातियाँ तो खत्म हुई नहीं। आप अभी रविवार का पिछला अखबार निकाल के देखिए, जाति के आधार पर शादी के विज्ञापन हैं, कम्युनिटी मेट्रोमोनीज के बड़े बड़े वेबसाइट्स हैं जिसमें 10-10 लाख के आसपास प्रोफाइल्स हैं। जाति के आधार पर आपको दिल्ली और बॉम्बे में आप देखेंगे अपार्टमेंट्स बने हुए हैं। जाति असल में इस देश में लगातार कंटिन्यू कर गई, जो कि संविधान निर्माताओं ने सोचा था कि नहीं करेगी। तो 1951 में जनगणना पहली ऐसी हुई जिसमें कि जाति की गिनती नहीं हुई। अब जाति की गिनती नहीं हुई ये भी पूरी तरह से सच नहीं है, क्योंकि संविधान में ये प्रावधान है कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब को आबादी के हिसाब से संसद में, मतलब लोकसभा और विधानसभा में, उनके लिए सीटें आरक्षित की जाएगी, ये संविधान का प्रावधान है। तो उनकी संख्या जानने की ज़रूरत थी, तो 1951 में SC ST को तो गिना गया। इसके अलावा सारे धर्मों की गिनती हुई, सारी भाषाओं के लोगों की गिनती भी, सारा कुछ हुआ, लेकिन सिर्फ एक का आप देखेंगे तो जो जाति का प्रश्न है उसको, बाकी जातियों को नहीं गिना गया, SC ST को गिना गया। अब इसकी वजह से देखिए, कोई शुरुआत में तो कोई समस्या नहीं आई,
जातियों की गिनती नहीं हो रही, एस सी एस टी की गिनती हो रही, और उनको उनके आबादी के अनुपात में आरक्षण दिया जा रहा है। तो ये सब चलता रहा, लेकिन इस बीच में एक चीज़ और होती है। संविधान में आर्टिकल 340 के तहत सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की पहचान के लिए आयोग बनाने की बात है। तो ये पहला आयोग काका कालेलकर आयोग बनता है, और दूसरा आयोग 1978 में मंडल कमीशन बनता है। तो मंडल कमीशन की जब रिपोर्ट आती है तो उनको कहा गया कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की आप पहचान कीजिए। अब ये पहचान हो कैसे, क्योंकि आंकड़े तो हैं नहीं। तो मंडल कमीशनर ने अपनी सिफारिश में कहा कि हमें बहुत दिक्कत हुई, हमें ये पता ही नहीं चला कि किस जाति की कितनी संख्या, और हमें आपने कह दिया कि जातियों की पहचान कीजिए। तो हमने 1931 के आंकड़े, 1931 की जो आखिरी जनगणना हुई जिसमें जाति के आंकड़े थे, उसके आधार पर और कुछ सर्वे के आधार पर और कुछ लोगों से बातचीत के आधार पर उन्होंने अपनी पूरी रिपोर्ट दी, जिसके आधार पर भारत में 27% केंद्र सरकार की नौकरियाँ और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, उसमें आज रिजर्वेशन दिया जाता है। अब आप सोच कर देखिए कि 2018 का भारत 1931 के आंकड़े के हिसाब से आज की तारीख में चल रहा है। उस समय कौन जाति कहाँ थी, उस बीच में विभाजन हो गया, लोगों का इस तरफ से उस तरफ आना जाना हो गया, लोगों की आर्थिक हैसियत बदली, इतनी सारी चीज़ें, सामाजिक हैसियत भी कुछ लोगों की पता नहीं बदली या नहीं बदली, कुछ नहीं मालूम। 1931 के आंकड़े के आधार पर इस समय देश की पॉलिसी चल रही है। तो मंडल कमीशन ने कहा कि आप आंकड़े इकट्ठा कर लीजिए, अगली जो भी जनगणना होती है उसमें आप आंकड़े इकट्ठा कर लीजिए। अब मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट लागू हो जाती है जाकर 1990 में वीपी सिंह इसको लागू कर देते हैं। उसके बाद मामला कोर्ट में जाता है और 1993 के आसपास उसके हिसाब से केंद्र सरकार की नौकरियों में आरक्षण मिलना शुरू हो जाता है ओबीसीज को भी। तो ये आरक्षण की व्यवस्था तो वहाँ पर आ जाती है, लेकिन जाति के आंकड़े अब भी नहीं है। तो अगली जो जनगणना होनी है वो 2001 में होनी है। तो इससे पहले 1998 में केंद्र में एचडी देवेगौड़ा की सरकार थी, और उन्होंने ये फैसला किया, संविधान में जो कैबिनेट ने एक फैसला किया कि अगली जो भी जनगणना होगी उसमें कास्ट सेंसस कर लिया जाएगा, जातियों की गिनती कर ली जाएगी। तो देवेगौड़ा सरकार ने ये कैबिनेट नोट बनाकर और सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री ने इसको पास कर दिया। तो ये लगा कि 2001 में नए आंकड़े आ जाएंगे और उसके हिसाब से देश में फिर से पॉलिसीज वगैरह जो भी चेंजेज होने होंगे। लेकिन हुआ क्या कि देवेगौड़ा जी की सरकार गिरी, उसके बाद गुजराल की सरकार आई और फिर वाजपेयी जी की सरकार आ जाती है। वाजपेयी सरकार अपने शुरुआती फैसलों में, शुरुआती जो तीन बड़े फैसले उसमें से एक फैसला ये करती है कि जाति जनगणना नहीं कराते हैं। ये कितने आश्चर्य की बात है। उस समय लालकृष्ण आडवाणी जी गृहमंत्री थे और उन्होंने ये फैसला किया कि जाति की गिनती नहीं कराते हैं क्योंकि उससे जातिवाद बढ़ जाएगा। मतलब ये अजीब सी बात है कि आप समस्या को देखेंगे नहीं तो समस्या आपको परेशान नहीं करेगी। मतलब खरगोश अगर आँख बंद कर ले तो समझिए खरगोश सोचता है कि शेर उसे नहीं खाएगा, लेकिन शेर को तो खरगोश दिख रहा है, वो खा जाता है। तो समस्या को नहीं देखना समस्या का समाधान हो सकता है, ये बहुत अजीब सा फॉर्मुलेशन है। और इसके आधार पर 2001 की जनगणना में भी जाति नहीं गिनी जाती है। तो मामला तो लेकिन चलता रहता है, और इस बीच में बहुत सारे विवाद होते हैं, नए नए जातियाँ आरक्षण मांगती हैं, उनको देना है नहीं देना है, कैसे तय होगा, हिंसक आंदोलन होते हैं इस बीच में। तो अगली जनगणना जो है 2011 में होने का तय होता है। तो 2011 की जनगणना में जाति गिन ली जाए इसको लेकर बहुत ज़्यादा मांग होती है। 2010 में 6 और 7 मई को, अगर मुझे तारीख ठीक से याद है, तो लोकसभा में एक बहुत बड़ी बहस होती है कि जाति की जनगणना कराई जाए या ना कराई जाए। तो उस बहस में आप पाएंगे, इंटरनेट पर वो पूरी बहस उपलब्ध है, कि सभी पार्टियां, कांग्रेस, बीजेपी, आरजेडी, एसपी, बीएसपी, डीएमके, एआईडीएमके, सीपीएम, सीपीआई, जो भी पार्टियां, तृणमूल, सारी पार्टियों इस बात पर सहमत हो गई कि 2011 में जाति जनगणना करा ली जाए। अब ऐसा लगा कि मामला तो सेटल हो गया, मामला क्लिंच हो गया, अब जाति जनगणना हो जाएगी और उसके हिसाब से, नए आंकड़ों के हिसाब से देश में नई नीतियाँ बनेंगी। लेकिन इस बीच में गृह मंत्री पी चिदम्बरम और प्रणब मुखर्जी, उस समय वित्त मंत्री थे, एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स मनमोहन सिंह बनाते हैं, और उन्होंने एक अजीब सा फैसला किया कि जनगणना में जाति को नहीं गिनते हैं, जाति की अलग से जनगणना करा देते हैं। अब ये पूरा संसद की जो पूरी भावना थी, जिस पर आम राय थी, प्रधानमंत्री का आश्वासन था कि जाति जनगणना कराएंगे, इसका के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ और जनगणना 2011 की भी बगैर जाति को गिने पूरी हो गई। अब 2011 में ही एक दूसरी जनगणना शुरू हो गई,
और इसके लिए लगभग 3,000 करोड़ रुपये सरकार ने दे दिए। अब ये काम जनगणना एक्ट के तहत नहीं हो रहा था, कि अभी तक जनगणना जो होती थी वो 1948 के सेंसस एक्ट के तहत होती थी, जिसकी वजह से गलत जानकारी देना अपराध था, गलत जानकारी नोट करना अपराध था, सरकारी कर्मचारी उसमें लगाए जा सकते थे, ये सारे प्रावधान सेंसस एक्ट में हैं। लेकिन चूंकि 2011 में जो दूसरी जातियों की, सिर्फ जातियों की एक जनगणना शुरू हुई, सोशल इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस SECC 2011, इसको जनगणना एक्ट के तहत नहीं कराया चिदम्बरम साहब ने, और इसकी वजह से राज्य सरकारों को जिम्मा दे दिया गया। राज्य सरकारों ने चूंकि उसको अपने मनमाने ढंग से करना शुरू कर दिया, कहीं उसको मनरेगा के कर्मचारियों से कराया, कहीं NGO को सौंप दिया, जबकि जनगणना जो होती है 10 साल पे वो सरकारी शिक्षक करते हैं, जिनको इलाके की जानकारी होती है और जिम्मेदार लोग होते हैं। तो इस वजह से जनगणना में बेशुमार गलतियाँ हुई, और इस बीच में फिर से बीजेपी की सरकार आती है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं। अब 5 साल की कवायद के बाद 2001 से शुरू होता है, जनगणना तो पूरी हो गई और सरकार बताती है कि 4,893 करोड़ रुपये, लगभग 5,000 करोड़ रुपये इस पर खर्च हो गए, लेकिन जनगणना में लगभग 9 करोड़ गलतियां हैं ये सरकार बताती है। 45 लाख जातियों का पता चला है, जेटली साहब इसकी घोषणा करते हैं और बताते हैं कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पानीगढ़िया के नेतृत्व में कमेटी इसकी जाँच करेगी और नए ढंग से उसके आंकड़े टेबुलेट किए जाएंगे। लेकिन नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पानगढ़िया की कमेटी के बाकी 2 सदस्यों की नियुक्ति कभी नहीं होती है, वो कमेटी अपनी पहली बैठक भी नहीं करती है, और अरविंद पानगढ़िया साहब बाद में नीति आयोग से इस्तीफा देकर वो चले जाते हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी पढ़ाने के लिए। तो इस वजह से इस जनगणना के कोई आंकड़े नहीं आते हैं और भारत आज भी फिर 1931 की जनगणना से चल रहा है। अब उपाय यही है कि 2021 की जनगणना में सिर्फ OBC की नहीं, सारी जातियों की गिनती की जाए, क्योंकि OBC और पिछड़ी जातियों की इतनी सारी लिस्ट है, राज्य की अपनी लिस्ट है, सेंट्रल की अलग लिस्ट है, तो आप ये जनगणना फिर करा ही नहीं पाएंगे, आप फिर 5-10 हज़ार करोड़ रुपये खर्च कर देंगे भारत का और जनगणना नहीं हो पाएगी। तरीका यही है कि अगली जो जनगणना हो रही है 2021 में, उसमें सारी जातियों की गिनती की जाए जैसे आज़ादी से पहले होती थी, और जातियों के बारे में पता कीजिए और उस आंकड़ों के आधार पर देश में नीतियाँ बनाइए। वास्तविकता जानने से कोई कड़वाहट नहीं फैलनी है, कोई जातिवाद नहीं फैलना है। आप धर्म की गिनती तो करते हैं, क्या इसकी वजह से दंगे होते हैं? क्या आप भाषा की गिनती करते हैं, क्या इसकी वजह से दंगे होते हैं? क्या इसकी वजह से कटुता फैलती है? तो नीतियां बनाने के लिए जो आंकड़ों की जरूरत है उन आंकड़ों को इकट्ठा कीजिए। अभी जैसे सवर्ण आरक्षण पर प्रश्न है कि 10% क्यों दे दिए, तमिलनाडु के लोग कह रहे हैं हमारे यहाँ तो सवर्ण सिर्फ 3% है, आपने क्यों 10% दे दिया, तो इस तरह के विवाद, या जाट कह रहे हैं कि हम तो इतने हैं हमको इतना दे दीजिए, मराठा कह रहे हैं कि हम 32% हैं। अरे आप पता तो कर लीजिए कौन कितने हैं, किसको कितना देना है, क्यों देना है, आप तर्क के आधार पर फैसला कर पाएंगे। अभी सरकार की बाह मरोड़कर सारे फैसले हो रहे हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जाति की जनगणना करा ली जाए। और इस बारे में एक जटिल प्रश्न है, इस बारे में हम आपसे और भी बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप मंडल की पाठशाला में शामिल होने के लिए। शुक्रिया दोस्तों।